क्या दोस्तों आप भी अपना इंस्टाग्राम को टेम्पोरली डिसेबल करना चाहते हो, अपने आईडी को टेम्पोरली डिसेबल करना चाहते हो इंस्टाग्राम आईडी को, तो दोस्तों ये वीडियो आपको एंड तक वॉच करना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपराज और आप देख रहे हो अपना चैनल वाईटी स्मार्टी। अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, जिससे कि आपको सोशल मीडिया के रिगार्डिंग वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप बहुत तंग हो चुके हो इंस्टाग्राम यूज करके, तो आप अपना इंस्टाग्राम को डिसेबल करना चाहते हो, वो भी टेम्पोरली डिसेबल करना चाहते हो, दोस्तों ये वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना होगा। और इसका रीजन मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आप अपने इंस्टाग्राम को टेम्पोरली डिसेबल क्यों करना चाहते हो, आपका रीजन क्या है, कि आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हो या आप अपने लाइफ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, प्लीज मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप इंस्टाग्राम टेम्पोरली डिसेबल कर दोगे तो मेरा चैनल पे वीडियोस कौन देखेगा, आप लोग नहीं देखोगे तो। इसलिए दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि आप अपना इंस्टाग्राम टेम्पोरली डिसेबल क्यों करना चाहते हो, अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो तो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए और चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन तरफ और आप लोगों से क्लियर टू क्लियर बताते हैं कि आप कैसे अपना इंस्टाग्राम टेम्पोरली डिलीट कर सकते हो। और इसी वीडियो पे मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर आप टेम्पोरली डिलीट कर दियो और फिर एक मिनट के अंदर में ही उसे एनेबल कैसे कर सकते हो। डिसेबल तो मैं बताऊंगा इस वीडियो पे और ये भी बताऊंगी इसे एनेबल कैसे कर सकते हो, वो भी विथिन 1 या 2-3 सेकंड में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। सो यहाँ पर अपन लोग आ जाते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और यहाँ पर अपने मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद अब आपको बताते हैं कि इंस्टाग्राम आप टेम्प्रोरी डीएक्टिवेट कैसे कर सकते हो। उससे पहले दोस्तों आप अभी तक मेरे को इंस्टा पे फॉलो नहीं किया हो तो कर सकते हो अगर आपका मन है तो यहाँ पर आप इजिली फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अपना इंस्टाग्राम आईडी डीएक्टिवेट करने के लिए बहुत ही इजीएस्ट स्टेप है दोस्तों, आप इजिली वो फॉलो कर सकते हो और अपना इंस्टाग्राम आईडी को इजिली एक्टिवेट कर सकते हो। तो आपको इजीली चले जाना अपने कोई भी ब्राउजर पे, तो यहाँ पर मैं अपना क्रोम ब्राउजर पे चला जाता हूँ। दोस्तों क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद इजीली आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम लिखना है और इंस्टाग्राम लिखने के बाद सर्च कर लेना है और सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पर देख सकते हो सेकंड नंबर पे लॉग इन इंस्टाग्राम लिखा है, तो इजीली लॉग इन इंस्टाग्राम पे क्लिक करना है और यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर आपको जो सा भी आईडी को लॉगिन करना है तो यहाँ पर आप स्विच अकाउंट पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको उस आईडी का इंस्टाग्राम आईडी का पासवर्ड मांगेगा और आपको यहाँ पर यूज़र नेम मांगेगा। तो फटाफट से आपको यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड को डाल देना, तो फटाफट से मैं भी यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड को डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम यूज़र आईडी पासवर्ड डाल देना और लॉगिन पे क्लिक कर देना। आप जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे आपको कुछ दोस्तों इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, जो कि आपको आपके क्रोम ब्राउज़र पर आपका इंस्टाग्राम लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पर नोट नाउ पे क्लिक करना और नोट नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ आपका आईडी इस तरह से लॉगिन हो जाएगा और लॉगिन होने के बाद आपको चले जाना अपने प्रोफाइल पे। यहाँ पर प्रोफाइल दिख रहा होगा, इसलिए प्रोफाइल पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों आप अपने आ जाओगे अपने प्रोफाइल पे। और प्रोफाइल पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा, आपको एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। और जैसे ही एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आप इजीली चले जाओ नीचे। और नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नीचे टेम्पोरली डीएक्टिवेट माई अकाउंट पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है रीज़न कि आप क्यों अपना अकाउंट को डीएक्टिवेट करना चाहते हो। तो यहाँ पर लिखा रहा है वाई आर यू डीएक्टिवेटिंग योर अकाउंट, तो यहाँ पर रीज़न को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर बहुत सारा रीज़न है, अगर आपको कोई रीज़न है तो आप इजिली यहाँ पर सेलेक्ट करके डाल सकते हो। यहाँ पर अगर आपको कोई रीज़न नहीं है, आप इजिली ब्रेक लेना चाहते हो कुछ दिन का या आपको एग्जाम चल रहा, तो इजिली जस्ट नीड अ ब्रेक पे क्लिक करना है। और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको पासवर्ड को डालना है, आपको जो इंस्टाग्राम पासवर्ड है यहाँ पर आपको डालना है। तो इजिली मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम पासवर्ड को डाल देता हूँ और डालने के बाद कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल दिया हूँ और पासवर्ड को डालने के बाद नीचे पे आपको दिख रहा होगा टेम्पोरली डीएक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पर यस पे जैसे आप क्लिक करोगे आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका अकाउंट हो गया डीएक्टिवेट। आपका अकाउंट कोई सर्च करता है तो आपका अकाउंट वहाँ पर उसको उस यूज़र्स को नहीं मिलेगा। अगर आपको अपना अकाउंट को रिकवर करना है यानी कि फिर से एक्टिवेट करना है तो इसलिए आपको क्या करना दोस्तों, आपको फिर से क्या करना है, यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है और इजली लॉगिन पे क्लिक कर देना, आपका अकाउंट इजली फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मैं अपना आईडी पासवर्ड डाल दिया हूँ जो मैं डीएक्टिवेट किया था अपना आईडी को, फिर से मैं एक्टिवेट करता हूँ, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका जो आईडी डीएक्टिवेट हुआ था, आप इजिली आईडी पासवर्ड डालो और आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर देख सकते हो मेरा आईडी फिर से एक्टिवेट हो गया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो चल रहे को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अभी तक भाई को फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो मेरे को फॉलो कर लेना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इंस्टाग्राम के रिगार्डिंग या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग तो मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो की तरफ गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।